नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के स्टॉक के बारे में, जहां अगर हम बात करें पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक लगभग 7-8% तक की बड़ी गिरावट जो है वो दिखा चुका है। आज की अगर क्लोजिंग की बात करें 2794 के आसपास की क्लोजिंग देखने को रही है, 2% 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ स्टॉक 2800 के नीचे आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-4 दिनों में यहाँ पे जो गिरावट है वो थोड़ी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आज के दिन की रेंज देखते हैं तो दिन के लोएस्ट पॉइंट जो कि लगभग 2785 उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 2860 के आसपास का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। वही अगर आप 52 वीक रेंज देखते हैं 3568 रुपए के आसपास की, जहां से स्टॉक बहुत ही नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं अपने 52 वीक लो के आसपास जो है जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि लगभग 2708 के आसपास का है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने मिले, लगभग 24,71,000 शुरू के आसपास के। अब यहाँ सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये जो गिरावट है वो क्यों कंटिन्यू होती है दिख रही है, गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों यहाँ आपको पता होगा एशियन पेंट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, कहीं ना कहीं मार्केट लीडर कहा जाता है। मार्केट कैप आप देख रहे हैं 2,68,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट उठा के देखेंगे बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऊपरी लेवल पे अब थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक की 56 रुपए के आसपास का, पी देख रहे हैं 49 के आसपास का, जो कहीं ना कहीं बहुत ही लोअर साइड में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अगर आप पहले पी देखते तो ऑलमोस्ट 80 90 100 की रेंज में देखने को मिलता था, जो कि अभी कहीं ना कहीं 50 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की कमाई जरूर बढ़ी है, ईपीएस जरूर बढ़ा है, लेकिन अब कंपटीशन जो है मार्केट में वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट शेयर जो कम होने का खतरा है वो इस स्टॉक के ऊपर प्रेशर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं पिछले 4 दिन में लगभग 7% स्टॉक जो है वो डाउन होता हुआ दिखाई दिया। और क्यों होता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि ग्रासिम की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही पेंट सेक्टर में, और कहीं ना कहीं इसके कारण ये स्टॉक जो है डाउनग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत से जो ब्रोकरेजेस उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को कट किया एशियन पेंट्स के ऊपर पे। कहीं ना कहीं अगर आप खबर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ग्रासिम की एंट्री पेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसके लिए डिसरप्शन ले इसके लिए आ सकती है, और कहीं ना कहीं मार्केट शेयर इसका कम हो सकता है। क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे पेंट सेक्टर का लीडर था, लगभग 100 में से 80 लोग अगर हम बात करते हैं एशियन पेंट का यूज करते हैं, तो अगर यहाँ से मार्केट शेयर कम होता है कहीं ना कहीं 50-60 की रेंज में जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका लॉस एशियन पेंट्स को ही देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे साफ आपको देखने को मिल सकता है। ग्रासिम की अगर हम बात करें तो बिरला ऑप्स करके जो है वो यहाँ पे पेंट का ब्रांड लॉन्च किया और कहीं ना कहीं सेकेंड पोजिशन पे आने की कोशिश है डेकोरेटिव पेंट मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं ग्रासिम की, तो कहीं ना कहीं जहां पे अभी एशियन पेंट का डोमिनेशन है वहां पे इसकी एंट्री हो रही है ग्रासिम की, तो वो कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स के लिए नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही है। और ये भी नहीं, ग्रासिम का जो टारगेट है प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस रेवेन्यू का जो टारगेट है 10,000 करोड़ का है 3 साल के अंतर्गत। यहाँ पे फुल स्केल ऑपरेशन अगर करता है तो 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट यहाँ पे मान के चल रहा है ग्रासिम, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट जो है वो एशियन पेंट को पहुंचा सकता है। और उस कंडीशन में बहुत से जो ब्रोकर्स है वो यहाँ पे इस स्टॉक को डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टारगेट प्राइस कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सीएलएसए की, तो सीएलएसए ने भी यहाँ पे जो एशियन पेंट को सेल रेटिंग दी है कहीं के डाउनग्रेड करके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपना टारगेट है 25% से घटा दिया है, 2425 रुपए के आसपास का जो टारगेट है वो यहाँ पे दे रहे हैं। साथ ही साथ सीएलएसए ने जो है ईपीएस जो है अर्निंग एस्टिमेट जो है उसको FY 25-26 के लिए वो भी आज से 10% के लिए घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज आपको देखने को मिल रही है एशियन पेंट के स्टॉक में। और इस कारण से हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे एक बड़ा कट आता हुआ दिखाई दिया। चार्ट पे भी अगर आप देख रहे हैं तो लगभग लगभग इस स्टॉक में दिसंबर के एंड में लगभग 3400 के हाई लगे थे, उसके बाद से स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन लगभग 600 रुपए का करेक्शन यहाँ पे देखने मिल चुका है। पिछले अगर हम देख रहे हैं 22 फरवरी की क्लोजिंग से, तो पिछले 4 दिन में ही स्टॉक ऑलमोस्ट 7-7.5% झटक चुका है। 2900-2925 वो इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पे कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको देखने को मिला था थोड़ा सपोर्ट आ रहा था, लेकिन उस लेवल के नीचे ही खुला 26 फरवरी को जैसे ओपनिंग हुई, सोमवार को गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद कहीं से रिकवरी देखने मिली, लगातार सेलिंग देखने मिली और फॉलो अप सेलिंग पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है। और अब जो अगला टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई सकता है सपोर्ट के लेवल में अगर हम बात करें
2700 रुपए की रेंज वो रेंज हो सकती है जो कि इस स्टॉक के लिए अब नेक्स्ट सपोर्ट का काम करता हो कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। तो आप मान के चलिए 2700 रुपए वो रेंज आप मानिए कि 2700 तक शायद ये स्टॉक एक बार स्लाइड करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट में हमने देखा एक सेलिंग होती हुई दिखाई दी ऊपरी लेवल से, मार्केट टिका नहीं। हालांकि एक्सपायरी का भी एक प्रेशर था तो थोड़ी एडजस्टमेंट जरूर देखने को मिलती है, उसका प्रेशर है, पता चलेगा कि एक्सपायरी का प्रेशर है या क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपरी लेवल पे थोड़ा अब ओवर वैल्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस कंडीशन में अगर मार्केट थोड़े भी करेक्ट होते हैं तो इन स्टॉक्स में भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने मिला, और आज भी यहाँ पे लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट थी। तो अब देखने वाली चीजों की क्या ये 2700 के आसपास आता है या नहीं आता, उस लेवल के आसपास भी देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे 2700 रुपए सस्टेन होता है नहीं होता है, और या फिर सीएलएसए का जो टारगेट है 2400-2500 की रेंज का, उस रेंज तक ये स्टॉक जाने की कोशिश करता है। इवन ऊपर की तरफ भी अगर आप देखें तो 2900-2925 अब एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा। जब तक ये स्टॉक 2900 से 3000 रुपए की रेंज में निकाल नहीं लेता, मतलब 2900 से 3000 की रेंज वो रेंज होगी जहां पे इसको कहने के ऊपर थोड़ा सा अटकने की कोशिश कर सकता है, 3000 के ऊपर निकल के अगर स्टॉक चलना चालू करेगा तब आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक में आपको एक रैली बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, बुरी न्यूज ही एक ऐसा मौका होता है जब किसी स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं और खरीदने का एक अच्छा मौका होता है। पहले भी बहुत सी कंपनियां आई है मार्केट्स में, लेकिन कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स आज भी टिका हुआ है क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है अपने आप में, लोगों के मुंह से सुनेंगे एशियन पेंट एक ब्रांड है, बाकी कोई भी ब्रांड को लोग जाने ना जाने लेकिन एशियन पेंट्स को नाम से सारे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि पिछले 1-2 साल में इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक कंसोलिडेट नहीं करेगा या गिरेगा नहीं, अच्छे से अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं तो ये स्टॉक भी गिर रहा है, लेकिन जब अच्छा वक्त आएगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी चलेगा। कंपनी की रेवेन्यू कभी भी यहाँ पे आपको देखा है जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय डेफिनेटली देखने मिल सकता है, तो उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सम व्यू लॉन्ग टर्म का है, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा अच्छे स्टॉक में बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे गिरावट में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं पोर्टफोलियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।